हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब के द्वारा दिए जाने वाले अवार्ड्स के बारे में कि कितने सब्सक्राइबर होने पर कौन से प्ले बटन क्रिएटर्स को दिए जाते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। गाइज, आप सब लोगों ने यूट्यूबर्स को देखा होगा जिनके पास सिल्वर, गोल्ड और डायमंड प्ले बटन होगा। इन यूट्यूबर्स को ये प्ले बटन क्यों दिया जाता है, उन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे कि यूट्यूब उनको ये अवार्ड देता है। तो YouTube एक कंपनी है और कंपनीज की तरह YouTube भी चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए। क्या आपने कभी सोचा है कि YouTube पैसे कैसे कमाता है? YouTube खुद से कोई वीडियो नहीं बनाता और ना ही वो खुद से कोई वीडियो अपलोड करता है, तो फिर ये पैसे कैसे कमाता है, वो भी लाखों और करोड़ों में। गैस, YouTube खुद वीडियो नहीं बनाता, YouTube पर बहुत सारे क्रिएटर होते हैं मेरे और आपके जैसे, वो वीडियोज़ बनाकर अपलोड करते हैं, YouTube उसकी वीडियो पर ऐड दिखाकर पैसे कमाता है। बेसिकली देखा जाए तो YouTube तभी पैसे कमाएगा जब उसके क्रिएटर वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे, और YouTube उन वीडियोस पर ऐड दिखाकर पैसे कमाएगा, और इस तरह से YouTube भी पैसे कमाएगा और अपने क्रिएटर्स को भी पैसे देगा। YouTube अपने क्रिएटर को मोटिवेट रखने के लिए, ताकि वो प्रोत्साहित रहें और वीडियोस बनाए, इसलिए YouTube जो है उन्हें YouTube क्रिएटर अवार्ड देता है। तो अब बात करते हैं YouTube अपने क्रिएटर को कितने टाइप के अवार्ड्स देता है। तो फर्स्ट है सिल्वर प्ले बटन। सिल्वर प्ले बटन उन चैनल्स को दिया जाता है जिनके 100K सब्सक्राइबर हो जाते हैं, यानी कि 1,00,000 सब्सक्राइबर, तो वो सिल्वर प्ले बटन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में आपको सिल्वर प्ले बटन के बहुत सारे क्रिएटर्स मिल जाएंगे। नंबर दो पर आता है गोल्ड प्ले बटन। जब किसी चैनल के 1,000,000 यानी कि 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो उनको गोल्ड प्ले बटन मिलता है। इसके भी आपको इंडिया में बहुत सारे क्रिएटर्स मिल जाएंगे। जो नंबर थ्री पर आता है वो है डायमंड प्ले बटन। जब कोई चैनल 10,000,000 यानी कि 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरा कर लेता है तो उस चैनल को डायमंड प्ले बटन मिलता है। इंडिया में 10,000,000 वाले चैनल बहुत ही कम हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से गिन सकते हैं। नंबर फोर पर आता है कस्टम क्रिएटर अवार्ड। ये अवार्ड उस चैनल को दिया जाता है जिसके 50,000,000 यानी कि 5,00,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इस अवार्ड को रूबी क्रिएटर अवार्ड भी बोलते हैं। दरअसल इसके पीछे एक कहानी है। ये सबसे पहले प्यूडीपाई को मिला था 28 दिसंबर 2016 को, तो प्यूडीपाई ने इसको निकनेम दे दिया था रूबी क्रिएटर अवार्ड, क्योंकि उसे जो कस्टम क्रिएटर अवार्ड मिला था वो एक रूबी कलर में था और वो अवार्ड उसके उस चैनल के लोगो के शेप में मिला था। फिलहाल जो कस्टम क्रिएटर अवार्ड है, या रूबी क्रिएटर अवार्ड कह लें, ये अभी तक पूरी दुनिया में सिर्फ 22 ही है और ये 22 ही चैनल को मिला है। तो नंबर 5 पर आता है रेड डायमंड क्रिएटर अवार्ड। ये अवार्ड उस चैनल को दिया जाता है जो 100,000,000 यानी कि 10,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेता है। अभी तक YouTube पर ऐसे 4 ही चैनल हैं जिसमें से 2 हमारे इंडिया के चैनल हैं। नंबर 1 पर आता है टी सीरीज विद 178,000,000 सब्सक्राइबर के साथ। नंबर 2 पर आता है प्यूडीपाई 109,000,000 सब्सक्राइबर के साथ। और थर्ड नंबर पर आता है कोकोमेलन 108,000,000 सब्सक्राइबर के साथ। और आखिरी में आता है रिसेंटली 100,000,000 क्रॉस किया चैनल जिसका नाम है सेट इंडिया विथ 100,000,000 सब्सक्राइबर के साथ। ये डायमंड क्रिएटर दिखता कैसे है? ये एक ट्रायंगल शेप में आता है जिसके बीच एक डार्क रेड क्रिस्टल होता है और ये दिखने में बहुत शानदार होता है। और पूरी दुनिया में ऐसे 4 ही चैनल हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। तो ये था YouTube क्रिएटर अवार्ड जो YouTube अपने क्रिएटर्स को देता है जिससे कि उनका मनोबल बना रहे और वो YouTube पर वीडियोस बनाते रहें और अपलोड करते रहें, जिससे कि YouTube भी पैसे कमाता रहे और उसके क्रिएटर भी पैसे कमाते रहें। स्टील का यार। गाइस, मेहनत और सालों इसे पाने के लिए बहुत साल लगे हैं। ओहो, अरे मैया, 3 साल।